गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द सिविक्स, दैट इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. हेयर बिफोर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर लेट अस नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है बीइंग डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ओके, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ द थिंग्स वी ईट और क्लोथ्स वी वियर. ओके, सो एज यू नो इन योर क्लास ओनली यू कैन सी of your classmates, they speak the different languages, they are belong to different religion. Okay, so that is known as a diversity. Now bachi, in your book one story is given about two boys whose names are similar, Sameer ek aur Sameer do. Unke naam kya hai? Bilkul ek jaise hai, isliye unka naam ek ko Sameer ek de diya gaya hai, ek ko Sameer do de diya gaya hai. अब जो समीर एक है वो इससे कैसे डिफरेंस है? ओके, ही नोज, ही इज़ फेमिलियर विद द इंग्लिश. उसे इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलनी आती है, समझ में आती है. लेकिन जो समीर दो है वो क्या बोलता है? हिंदी बोलता है. अब ये तो हो गया उसका लैंग्वेज. देखो लैंग्वेज अलग है. नाउ सेकंड वन इज़ अ रिलीजन. समीर एक का रिलीजन कौन सा है? हिंदू. और समीर दो का है मुस्लिम. अब जो समीर एक है वो बच्चे स्कूल जाता है, और जो समीर दो है वो क्या बेचता है? अखबार बेचता है. क्लियर? सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू बॉयज़ हु आर हैविंग द सिमिलर नेम बट दे डू द डिफरेंट वर्क्स एंड बिलोंग टू द डिफरेंट रिलीजन. क्लियर? नाउ हैव यू एवर थॉट व्हाई दिस बॉय गोज़ टू स्कूल, ही सेल्स द न्यूज़पेपर? नाउ here this we are going to study about this thing that is known as a inequality. Equal ka meaning kya ho gaya? Means everyone is equal, everything is given, equal resources, equal money. Okay, so inequality ka meaning kya ho gaya? Ki they are not equal. Inequality kaise aati hai? It arises or comes when a person does not have the resources and opportunities as compared to other person. अब देखो इसके पास सारी resources हैं. समीर एक के पास पैसा है, इसके parents के पास, इसके पास रहने के लिए अच्छा घर है, ठीक है. So इसके पास सब कुछ अपना है, अच्छा खाना खाता है. अब जो समीर दो है, इसके पास रहने के लिए अच्छा कोई घर भी नहीं है, ये न्यूज़पेपर बेच के अपना गुजारा करता है. क्लियर? सो इसके पास रिसोर्सेज सारी हैं, इसके पास मौके भी हैं कुछ करने के, ठीक है. ये स्कूल जाता है. अब इसके पास कोई भी रिसोर्स इतनी नहीं है, इसीलिए इसे मजबूरी में अखबार बेचकर अपना गुजारा करना पड़ता है. नाउ यू विल कम टू नो इन योर बुक वन इज़ गिवन, इट इज़ अ एग्जाम्पल इज़ गिवन अबाउट द कास्ट सिस्टम. जो इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है वो क्या है? कास्ट सिस्टम है. अब कास्ट सिस्टम क्या है? देखो एज यू नो हिंदू सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू कास्ट. ओके, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट. अब जो अपर कास्ट में आ जाते हैं ब्राह्मण्स, और लोअर कास्ट में आ जाते हैं शूद्रास. इसे हम अनटचेबल्स भी कहते हैं. सो इनइक्वालिटी की वजह से दो मीन्स कास्ट सिस्टम अराइज हुई है. कास्ट सिस्टम में क्या है? मीन्स जैसे आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? पॉटर हैं, मीन्स पॉट बनाते हैं, तो आपको भी वही काम करना पड़ेगा. आप उस काम को छोड़ नहीं सकते. ओके, ना ही आपको लोग छोड़ने देंगे. तो इसीलिए कास्ट सिस्टम इमर्ज हुआ. जो लोग पुअर थे वो पुअर ही रह गए. सो डैट्स वाई नाउ गवर्नमेंट हैज़ रिजर्व्ड द सीट्स फॉर द लोअर कास्ट सो डैट दे कैन कम फॉरवर्ड. ठीक है ना? तो नाउ यू कैन सी पीपल ऑफ द लोअर कास्ट आर ऑल्सो अचीविंग द सक्सेस इन द वेरियस फील्ड्स. क्लियर दिस थिंग? नाउ बट योर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ. डाइवर्सिटी की वजह से हमारी ज़िंदगी में क्या क्या आता है? यूनिकनेस आती है, कलरफुलनेस आती है. ठीक है ना? तो अगर आप ये सोचो कि जो आपका स्टोरी सुनने का टेस्ट है वो क्या है, बिल्कुल अलग होगा. किसी को कैसी स्टोरी अच्छी लगती हैं? एनिमल्स के बारे में,
किसी को एडवेंचर स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं, क्लियर। अब जो लोग जंगलों में रहते थे उन्होंने जंगल के बारे में स्टोरीज़ लिखी हैं, जो लोग राजा महाराजों के साथ रहते थे उन्होंने राजा महाराजों की कहानियाँ लिखी हैं। तो आपको भी वैसे ही अपने टेस्ट के हिसाब से वैसी ही स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, क्लियर दिस थिंग। सो नाउ यू कैन सी देयर इज़ अ डाइवर्सिटी इन द थिंकिंग ऑफ द ह्यूमन बींग्स इन देयर यू कैन से इमेजिनेशन, क्लियर। सो नाउ वी आर गोइंग टू कवर अप द मेन टॉपिक दैट इज़ द डाइवर्सिटी इन इंडिया। इसमें क्या होगा, हम डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं जैसे हिंदी, पंजाबी, तमिल, संस्कृत, उर्दू, क्लियर। वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, अब हम पंजाब में क्या खाते हैं, साग और मक्की की रोटी मेन है, ठीक है, हरियाणा में कोई और होगा, क्लियर दिस थिंग। सो वेरियस टाइप्स ऑफ द फूड आर इटन इन द इंडिया, डिफरेंट फेस्टिवल, जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस रहते हैं तो फेस्टिवल भी उनके अलग अलग होंगे। रिलीजन्स आई हैव टोल्ड यू, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज़ोरास्ट्रियन, बुद्धिस्ट, जैनिज्म। सो ये डिफरेंसेस हैं इंडिया में रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग, रिगार्डिंग लैंग्वेज, रिगार्डिंग फूड, फेस्टिवल एंड रिलीजन। नौ बच्चे, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, उसके हिसाब से लोगों का काम भी क्या है, अलग अलग है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द डाइवर्सिटी इन द इंडिया। नाउ कम्स अबाउट द मेन टॉपिक, मीन्स जो हिस्ट्री है और ज्योग्राफिकल एरिया है वो भी डाइवर्सिटी लाने में क्या करते हैं, अपना योगदान पाते हैं। जैसे लोग अपना घर छोड़ते थे, या तो कोई डिजास्टर आ जाता था या फिर उनको कोई काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, वो वहीं पर यू कैन से रहने लग गए थे, क्लियर दिस थिंग। सो डैट्स वाई जो उनका कल्चर था, रिलीजन था, वो एक दूसरे के साथ मिक्स होने लग गया था, इसलिए न्यू रिलीजन एंड न्यू कल्चर्स केम इनटू बीइंग, क्लियर दिस थिंग। नाउ वी आर टू केस स्टडीज आर गिवन इन योर बुक, वन इज़ द हिस्टोरी, यू कैन से वन ऑफ द लद्दाख एंड वन ऑफ द केरला। इससे हमें पता चल जाएगा कि कैसे जो हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर। नाउ लेट अस स्टार्ट, फर्स्ट वन इज़ द लद्दाख। लद्दाख को हम लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। इसकी लोकेशन क्या है, कोल्ड डेजर्ट है इन द माउंटेंस, ओके, इन द ईस्टर्न ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, मीन्स इट इज़ इन द नॉर्थ इंडिया, यू कैन सिंपली से इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया, क्लियर। सो वहाँ के लोग क्या करते हैं, दे कीप द शीप एंड द गॉड्स, वाई, क्योंकि उन जो गॉड्स हैं बच्चे, उनका जो पश्मीना वूल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, फेमस है। इसके पश्मीने के शॉल बनते हैं जो बहुत ही गर्म रहते हैं, क्लियर। नाउ वो क्या खाते हैं फिर लोग, मीट और मिल्क, ठीक है। जो तिब्बत था उसमें, ये लद्दाख में से ही वो लोग तिब्बत को जाते थे, ये ट्रेड रूट था, व्यापार करने का क्या था, ये रूट था, क्लियर। किसका व्यापार करते थे, टेक्सटाइल्स का, स्पाइसेस, मसालों का, सिल्क का और कारपेट्स का। अब इसमें रिलीजन कौन कौन से है, बुद्धिज़्म एंड इस्लाम, मीन्स मुस्लिम्स आर देयर, क्लियर। अब जो केसर सागा है, जो तिब्बत का नेशनल एपिक है, वो ये दोनों मुस्लिम और सॉरी बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम, दे बोथ सिंग टू गैदर। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अबाउट केरला। केरला को हम गॉड्स ओन कंट्री भी कहते हैं, ओके। ये कहाँ पे है, यू कैन जस्ट सिंपल यू कैन से इट इज़ लाइज इन द साउथ पार्ट ऑफ द इंडिया। अब ये किसके लिए फेमस है, स्पाइसेस के लिए फेमस है। इसमें कौन कौन से लोग आए, ज्यूइश आए और अरब ट्रेडर्स आए थे पहले बार, फर्स्ट केम टू इंडिया, ओके, मिस केरला। सेंट थॉमस क्या था, ये आए थे, ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ द जीसस क्राइस्ट, तो उसने क्रिश्चियनिटी शुरू की थी। अब जो वास्को डी गामा था, वो था क्या था, पोर्टुगीज था। अब ये लोग क्या खाते हैं, राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स, क्लियर दिस थिंग। सो देन बच्चे यू कैन सी दीज आर द इनके यू कैन से कॉमन थिंग्स क्या है, कि मीन्स यहाँ पर रिलीजन क्या है, यहाँ पर भी इस्लाम है, यहाँ पर भी बुद्धिस्ट रहते हैं, ठीक है। इट इज़ फेमस फॉर द स्पाइसेस, पर यहाँ पर क्या होता था, व्यापार होता था। तो
both say you can say parts of India they are influenced by the traders. दोनों की जगहों में क्या आते हैं, व्यापारी आते गए और जो इनका कल्चर है वो मिक्स होता गया, नए नए रिलीजन यहाँ पर आते गए. Now your next topic is unity in diversity. As you know, women and men from the different cultural and religious and national background, they opposed the British. Means उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ बगावत की थी. So that's why सारे लोगों ने, सभी रिलीजन के लोगों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, सभी ने अपना योगदान पाया है. मीन्स इसका मतलब जैसे आपको एक जलियांवाला बाग मैसाक का मीनिंग है किलिंग ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को किल कर देना. ओके, लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर किल्ड बाय जनरल डायर इन द जलियांवाला बाग ऑन 13 अप्रैल 1919. ठीक है, तो वहाँ पर सारे ही धर्मों के लोग जुड़े हुए थे, बड़े ही पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे. तो यहाँ पर हमें अपनी भारत की एकता को दर्शाता है. मीन्स ऑल रिलीजन ऑफ पीपल दे लिव टूगेदर. अब जो बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी हुई है, उसमें ही इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी. सो ही दिस वर्ड इज़ यूज्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. क्लियर. सो इफ क्वेश्चन कैन कम हु यूज द फर्स्ट टाइम टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यू कैन से जवाहरलाल नेहरू. अब जो नेशनल एंथम है हमारा किसने कंपोज किया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने. मीन्स इस सभी में हमें हमारे भारत की एकता के बारे में पता चलता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर. आई थिंक आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. थैंक यू सो मच.